Welcome to another episode of the Field Mother and Baby Health Program. आज हमारे साथ हैं कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेब कुरैशी. थैंक यू सो मच डॉक्टर जेब आज हमारे साथ आई. हम लोग इसलिए डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक और हमने सारे गाइडलाइंस और SOPs फॉलो किए हुए हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो है PCOS. PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. एक बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस है औरतों में जिसके बारे में डॉक्टर जेब हमें बताएंगी और बताएंगी कि कितना कॉमन है और कितनी उम्र की औरतों को अफेक्ट करता है और इसके क्या इलाज हैं और क्या वजूहत हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर जेब फॉर कमिंग इन टुडे. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही कॉमन, मतलब कि एक कहना चाहिए कि एक हमारे पास मर्ज है जिसके साथ औरतें आती हैं और काफ़ी लाइक मेन पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. तकरीबन हर 5 में से एक औरत को ये तकरीबन होता है PCOS. और इसकी भी कोई एज लिमिट उमूमन पहले तो ये कहा जाता था कि हर वो औरत जो जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है, यानी कि 15 साल की उम्र से लेके तकरीबन 50 साल ले लीजिए या 52 ईयर्स ले लीजिए. लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इसकी तो प्रिवेलेंस इवन 15 साल से लेके और 45 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा देखी जाती है. अच्छा जी. और उसके बाद जो है इसके चांसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं PCOS के इट्सेल्फ. लेकिन उसके बाद जो है ऑब्वियसली ये एक सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली. और सिंड्रोम हम उस वक्त कहते हैं जब उसमें एक से ज़्यादा अलामत आए, ठीक है. और चूंकि हम सिस्ट ओवरी के सिस्ट की बात कर रहे हैं तो ओवरीज तो हमारा एक बहुत वाइटल ऑर्गन है किसी भी औरत का, जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और जो औरत की तकरीबन एक पूरी आप ये समझिए कि पूरी बॉडी को चला रहे होते हैं, ठीक है. तो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम उस वक्त कहते हैं जब औरतों में कुछ फिजिकल अलामत होती हैं, कुछ हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनकी एक टिपिकल पिक्चर आ रही होती है जिसके ऊपर हम उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं. सही, ठीक है जी. अच्छा, आपने बताया कि ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा PCOS में और क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये औरत या इस खातून में जो है PCOS है, और क्या अलामत है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सिंड्रोम है, एक से ज्यादा हमारे पास इसके अंदर अलामत होती है. तो सबसे पहली होती है कि मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी आती है. सही. अब पीरियड्स या साइकिल का खराब हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है महीने में 2 दफा आना या बार बार आना या रुकना नहीं है कुछ इस तरह. सबसे इसके अंदर मेंसेस की जो होती है, जो कॉमन अलामत जो हम देखते हैं, वो मेंसेस का रुक जाना होता है जिसको हम अपनी जुबान में एमेनोरिया कहते हैं. और PCOS के मरीजों में ये उमूमन हर 2 से 2.5 से 3 माह के बाद जो है औरतों को साइकिल आता है. ये सबसे ज्यादा ये कॉमन प्रेजेंटेशन होती है. इसके साथ साथ क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं तो हॉर्मोन्स के साथ कुछ औरतों को या इवन आप कह लीजिए यंग्स में बेसिकली बच्चों को या यंग मैं ये कहना चाहूंगी कि तकरीबन आप 20s में ले लीजिए, उन लोगों को एक्नी, बहुत ज्यादा बालों का आना. बालों का आना उसको हम कहते हैं मेल पैटर्न ग्रोथ, यानी कि जैसे मर्दों की मूछों पे या दाढ़ी पे थोड़े डार्क बाल होते हैं, इस तरह औरतों के भी आना शुरू हो जाते हैं, थोड़े कर्वी होते हैं वो, ठीक है. और वो चूंकि यहाँ पे फेस हेयर लाइन पे, जॉ लाइन पे और स्पेशली अपर लिप्स पे यहाँ पे आना शुरू होते हैं. कुछ औरतों को इवन मतलब के सेंसिटिव एरियाज के अंदर भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे होना शुरू हो जाते हैं. प्लस इसके साथ साथ ये होता है कुछ औरतों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, वो भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस आ जाती है उसके अंदर, बिकॉज मेल पैटर्न इसके अंदर बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स आते हैं तो ऑब्वियसली मर्दों की तरह के बाल होना शुरू हो जाते हैं और मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है. प्लस अगर कोई खातून वो है जो ऑब्वियसली फर्टिलिटी पीरियड में है तो इसके साथ अगर उनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे, हार्मोन से तरीके से रिलीज नहीं हो रहे, ओवरीज के अंदर एग्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं और मेच्योर एग रिलीज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से उनको एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं. ठीक है, क्या मतलब होता है सब फर्टिलिटी का? मतलब है कि देखिए, जैसे आपने बात की कि हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक, मतलब एक से ज्यादा सिस्ट का हो जाना. अब क्या है, नेचुरल मैं आपको बताती हूँ आसान लफ्जों में, कि एक औरत जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में होती है वो हर महीने कुदरती तौर पे एक एग जो है वो ओवरी में वो मेच्योर होता है और वही एग जो है आगे जाके वो बेबी बनता है अगर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वही एग जो है वो टूट जाता है और वो मेंसेस की शक्ल में या पीरियड्स की शक्ल में आता है. तो एक मेच्योर एग का होना बहुत जरूरी होता है. तो जब बहुत ज्यादा पॉलीसिस्ट बनेंगे, बहुत ज्यादा मल्टीपल सिस्ट बनेंगे, छोटे छोटे सिस्ट यानी वो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जिसका साइज भी हम बहुत छोटा सा होता है,
2 to 9 millimeter का होता है साइज, और वो ओवरी में टिपिकल हमारे पास एक पिक्चर आती है उसके ऊपर हम उसको हम ये कहते हैं कि जी ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है अलोंग विद फिजिकल सिम्टम्स, अलोंग विद उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इन तमाम चीजों के साथ फिर हम किसी एक को, अगर ये तीन चीजें होती हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, हॉर्मोनल प्रॉब्लम और ओवरी, ये तीन चीजें अगर हमारे पास होती हैं, तीन में से दो किसी औरत का पॉजिटिव आ जाए या दो चीजें उनमें हों, तो हम उसको लेबल करते हैं कि ये PCOS है। अच्छा, आपने ये बताया कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं खातून के, तो मुझे बताएं ये किस उम्र में होता है? कोई भी, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज फ्रंट से उनके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल थिन होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा, बिकॉज हॉर्मोन्स की वजह से जो है वो सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। मोस्टली इनके अंदर एक्नी, हिर्सुटिज्म, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी, ये चार चीजें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे इवन अपनी ओपीडीज में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मेरे पास सपोज 10 औरतें आ रही हैं, कोई भी एज ग्रुप ले लीजिए आप, तकरीबन 15 से 45 ले लें आप, तो तकरीबन 10 में से मैं अमूमन 5 से 6 लोगों में ये देख रही हूँ। अच्छा जी हाँ, तो मतलब इतना प्रेवलेंट है हमारे पास। और कॉजेज की जहाँ आपने पहले कहा, तो कॉजेज की हम जब बात करते हैं, तो क्योंकि ये एक इतना डाइवर्स एक सिंड्रोम है कि इसके अंदर हमें बाज़ूकात कोई एक रीजन नहीं पता चलता है, बाज़ूकात इसका रीजन अननोन होता है, बाज़ूकात इसका रीजन ये होता है जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी फैमिलीज में चल रहा होता है। सपोज अगर किसी के वालदा को था, अगर उनकी सिस्टर्स को था या खाला को था, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लेके, ठीक है, खुप्पी, खाला, इन लोगों को सही, और मदर और सिस्टर्स, ये इन लोगों को अगर होता है तो उसके अंदर बाज़ूकात ये जेनेटिकली इनहेरिट भी हो जाता है। प्लस हमारा लाइफस्टाइल, लिविंग लाइफस्टाइल, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि अगर कोई अच्छा, इसमें मैं एक और बहुत अच्छी चीज बताती हूँ कि PCOS में चूंकि हार्मोनल प्रॉब्लम होता है तो वेट इश्यू आ जाता है। अच्छा जी, इसमें आप ये देखते हैं कि इसमें एक तो होता है हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स की वजह से वेट बढ़ता है, दूसरा इसमें ये फैक्टर होता है कि कुछ औरतें या कुछ बच्चे, मैं बच्चों का ज्यादा कहूंगी कि ये मैंने उस एज ग्रुप में देखा जो तकरीबन 20s में थे, यानी आप ले लीजिए आप 12 से 20 तक ले लीजिए आप, उनमें मैंने ये देखा कि जो बच्चे ओवरवेट थे या जो बच्चे ओबीस थे उनके अंदर ये PCOS का प्रिवेलेंस मैंने ज्यादा देखा। वो कैसे देखा कि ये एक साइकिल की तरह चल रहा होता है, हॉर्मोन्स की वजह से वेट बढ़ेगा, वेट की वजह से हॉर्मोन्स खराब होंगे, तो हमें दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चलना होता है, बैलेंस करना होता है, उसकी वजह से ये सारे ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। बिकॉज अगर कोई भी बच्चा या कोई भी खातून ओवरवेट है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, PCOS है, तो ऑब्वियसली वेट गेन कर लेना तो आसान है, वेट को रिड्यूस कर लेना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली फिर इट टेक्स अ लॉन्ग ग्रुप वे कि वो जाके जो है वो हार्मोनल इशू, फर्टिलिटी इशू, एक्नी इशू, हर्सुटिज्म इशू, बालों का इशू, सो मेनी इशूज जो है वो मतलब के आ जाते हैं इसके अंदर। सही, तो मतलब जो भीज होते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। एक और चीज ये बताइएगा कि PCOS की वजह से आपकी बॉडी में और कौन सी दूसरी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और कौन से दूसरे चेंजेस आ सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखें, जैसे कहा कि मोस्ट कॉमन है कि जो उनका साइकिल है वो हर 3 से 4 महीने बाद आता है। सही, तो उसमें क्या होता है कि नेचुरली हॉर्मोन्स तो ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं, ओवरीज पे आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि यूट्रस से साइकिल आना है या पीरियड्स आने हैं, तो यूट्रस से साइकिल जब नहीं आएगा, ऊपर से हॉर्मोन्स आ रहे हैं, तो यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं बच्चे लाने की दीवार, ठीक है, वो मोटी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो जब वो मोटी होना शुरू हो जाती है तो वो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है, स्पेशली वो औरतें जो 40s के बाद, ठीक है, 40s के बाद उन औरतों में क्या होता है कि 40s के बाद वो मैं उर्दू में ही आपको बताऊंगी कि बच्चेदानी की दीवार जो होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होना शुरू हो जाती है। जब वो मोटी होना शुरू हो जाएगी तो वो एक कंडीशन डेवलप कर लेती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, अगर वो ट्रीट ना हो, अगर वो शेड ना हो, तो वो लेटर ऑन आगे जाके कुछ सालों के बाद वो कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो उमूमन हम क्या करते हैं कि वो औरतें या वो बच्चे, अनमैरिड बच्चे भी अगर उनको 3 से 4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, तो हम बाहर से हॉर्मोन्स देके अंदरूनी हॉर्मोन्स का हम विड्रॉल करवाते हैं, जिसको हम विड्रॉल ब्लीड कहते हैं, ताकि उनको ब्लीडिंग हो। ओके, ब्लीडिंग होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, एक बात तो ये होती। सेकेंड ये होता है चूंकि इसमें हॉर्मोनल इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि मेल पैटर्न उसके अंदर आ जाते हैं हॉर्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, प्लस इसमें इंसुलिन हार्मोन एक होता है जो कि थोड़ा रेजिस्टेंट हो जाता है, इन तमाम की वजह से क्या होता है कि लेटर ऑन अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो लाइफ में लेटर ऑन
प्लस ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना, इन तमाम चीजों से बाद में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनकी डायबिटीज हो जाने का खतरा होता है। अगर पीसीओएस की वुमेन जो है आगे जाके कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको इवन प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज का हो जाने का खतरा होता है, जिसको हम कहते हैं बेबी शुगर। ठीक है, तो यानी पीसीओएस एक फैक्टर, देन बेबी शुगर दो फैक्टर, फिर जब वो बच्चा पैदा कर लेगी तो उसके बाद उसको लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज हो जाने का खतरा मजीद बढ़ जाता है। ठीक है, तीन चीजें तो ये हो गई, प्लस इसके अंदर ये होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि उमूमन मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल होता है जिसको हम हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक होता है लाउजी कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल। इसमें क्या होता है कि एचडीएल बिल्कुल कम हो जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, ये लाउजी बढ़ जाता है। जब लाउजी चीज बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो लेटर ऑन जाके एक तो वो दिल के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, यानी कि हार्ट अटैक का खर्चा ज्यादा हो जाता है, लेटर ऑन जो है एंजाइना का दर्द शुरू हो जाएगा, प्लस इवन के बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी नसों में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और बाज़ोकात वो एक और क्रिटिकल कंडीशन भी इख्तियार कर सकता है जिसको हम कहते हैं वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, यानी कि जब वो क्लॉट बनेगा, वो टूटेगा, वो किसी न किसी जाकर फंसेगा और वहां पे जाकर वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें तो ये होती हैं, प्लस वेट से रिलेटेड अपने इश्यूज हैं कि जब वेट होगा तो वेट बेयरिंग एरियाज में जॉइंट पेन हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, और प्लस और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। आपने ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, तो ये रेयर होता है कि जब क्लॉट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ये कॉमन चीज है जो लेटर स्टेज में हो सकती है? नहीं, देखिए एक तो पीसीओएस को इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग वे। ठीक है, सबसे पहली बात ये उसको डायग्नोज करना, फिर उसको ट्रीट करना, बहुत लंबा इसके लिए टाइम चाहिए होता है। प्लस ऐसा नहीं है कि आज किसी को हुआ तो कल उसको ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इस उसी को इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ठीक नहीं करते, ये चलता जाता है, कोई खातून अगर ख्याल नहीं करती है, तो लेटर इन लाइफ यानी कि सपोज अगर किसी को 20 साल की उम्र में हुआ है, तो आगे जाके 45-50 साल की उम्र में बहुत खतरा होता है कि उसको डायबिटीज भी हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन भी हो सकती है, वो दिल के मसले मसाइल भी हो सकते हैं, प्लस क्लॉट्स के मसले भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा ये दूसरा सवाल ये है कि जब अगर किसी को खतरा होता है PCOS का और वो डायग्नोज हो जाता है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराने पड़ते हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं? अच्छा, देखिए सबसे बेसिक टेस्ट तो हमने ये कहा कि वुमन फिजिकल उनका देखते हैं कि क्या है। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे अगर पिक्चर आती है, बाज़ोकात नहीं आती है, बिकॉज मैंने कहा कि तीन में से दो चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए तो हम क्राइटेरिया कहते हैं। बाज़ोकात अल्ट्रासाउंड में कोई भी चीज नहीं आ रही होती, और वुमन हमारे पास लोग आके बहस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल क्लियर है, आपने कैसे कह दिया कि PCOS, हालांकि उसका BMI या उसका वेट कह लीजिए वो ओवर वेट है, ओबेस में जा रही है, उसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, एक्नी हो रही है, हिर्सुटिज्म हो रहा है, उसको पीरियड्स का इशू है। तो भाई दो क्राइटेरिया तो पॉजिटिव है ना, अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं भी आ रहा है तो भी उसको PCOS है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से यही कहना चाहूंगी जो देख रहे हैं कि प्लीज आप डॉक्टर की बात सुना करें। अगर डॉक्टर आपसे कह रहा है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी खातून को PCOS है, तो जरूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड पे 100% आए और वो PCOS हो, बिकॉज फिजिकल अलामत भी इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, एक तो होता है अल्ट्रासाउंड, दूसरा हम करवाते हैं इसके अंदर एक, जैसे मैंने कहा कि मेल हार्मोन का होता है तो फ्री एंड्रोजन इंडेक्स कहलाता है ये। प्रीवियसली एक बहुत फेमस होता था एक टेस्ट जिसको हम सीरम एलएच एफएसएच रेशियो कहते थे, वो भी मतलब कुछ औरतें करवा लेती हैं अभी, कुछ नहीं करवाती हैं। ठीक है, और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट प्रिफर करती हैं इसको करवाना, कुछ नहीं करती हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन के कौन सी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है, वो क्या चूज करना चाह रही है। प्लस एक और हार्मोनल टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीरम इंसुलिन। जैसे मैंने कहा कि हॉर्मोन्स प्रॉब्लम होता है तो ओवरीज जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं कि उनके ऊपर कोई हार्मोन नहीं वर्क करता है, तो इंसुलिन का लेवल जो है वो बॉडी में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लेते हैं इंसुलिन को भी, लेकिन इन दिनों यानी मॉडर्न एरा जो हम जिसमें काम कर रहे हैं, बेसिकली यानी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बेसिकली फिजिकल सिम्टम्स को जो है ज्यादा प्रिफरेंस देती हूँ बजाय इसके कि इन टेस्ट की तरफ जाया जाए। लेकिन ये टेस्ट होते हैं और जो कराए जा सकते हैं और कुछ करा भी लेते हैं, अगर मरीज कहे कि नहीं हमें टेस्ट कराने हैं तो हम करवा भी लेते हैं। अगर इंसुलिन का जो टेस्ट है उसमें अगर एब्नॉर्मली हाई इंसुलिन या बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये एक निशानदेही है कि PCOS है। हाँ। या फिर ये कंफ्यूज हो जाता है डायबिटीज से? नहीं,
इंसुलिन मतलब के देखिए वही फिजिकल सिम्टम्स लेंगे आप, सही है, फिर डायबिटीज के लिए तो अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, फिर उसमें आप शुगर लेवल्स भी चेक करवाएंगे वो सब कुछ। अगर पीसीओएस की सेटिंग के साथ इंसुलिन लेवल हाई आता है तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि लेटर इन लाइफ शी इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। ठीक है, अब अगर इंसुलिन लेवल सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये 25 ईयर्स की एज में जो है आ रहा है इंसुलिन बढ़ा हुआ, तो देर आर प्रीटी हाई चांसेस के लेटर ऑन 40 प्लस में उनको डायबिटीज हो जाने का खर्चा होगा। अच्छा, अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगी, अपना जो है वेट रिड्यूस नहीं करेंगी, अपनी जो है वो पीसीओएस को ठीक नहीं करेंगी, तो ये चांसेस होते हैं। अच्छा, आपने क्योंकि बताया कि पीसीओएस में साइकिल इरेगुलर होता है, विच मीन्स कि फिर प्रेगनेंसी इफेक्ट हो सकती है डेफिनेटली, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो किस किस तरह जो है इफेक्ट होती है प्रेगनेंसी, इसके बारे में बताइएगा। और जो औरतें भी प्रेग्नेंट होती है तो वो किस तरह अपनी मैनेज करती है और किस तरह अपनी पॉसिबल हो सकता है। जी, लेकिन सबसे पहले तो प्रेग्नेंट हो जाना ही बड़ा मसला होता है पीसीओएस में, बिकॉज हमारे पास मेच्योर फॉलिकल नहीं होता कि जो आके जाके जो है वो प्रेगनेंसी सैप या प्रेगनेंसी बनाए। तो उसमें क्या करते हैं वुमन, देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम कैटेगराइज करते हैं कि मरीज की मेजर कंप्लेन क्या है और वो किस लिए आ रही है हमारे पास। ठीक है, अगर अनमेरिड की बात करते हैं तो वुमन बच्चे हमारे पास आते हैं साइकिल इरेगुलरिटी, एक्ने और हर्सुटिज्म की कंप्लेन के साथ और वेट गेन के साथ। अच्छा, और अगर हम मैरिड औरतों की बात करते हैं तो उनकी मेजर कंप्लेन यही होती है कि बेबी नहीं हो रहा, शादी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पीरियड्स के मसले हो रहे हैं, ये तमाम है, किसी ने कह दिया पीसीओएस। अच्छा, इस पे अब मरीज क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसका इलाज कोई नहीं है पीसीओएस का, हमने हर सिम्टम्स को पकड़ के झकड़ के चलना होता है। ठीक है, अच्छा अमूमन अब क्या करते हैं मरीज, चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा सबर का माता कम है, आई एम सॉरी टू से, तो उसमें क्या है कि मरीज ये समझता है कि शायद हम डॉक्टर के पास गए हैं, आज गए हैं, आज वो हमें दवा देगी, अगले महीने हम बिल्कुल फिट फाट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। अब हार्मोनल इशू है, यानी आम जबान में मैं तो मरीजों को ये कहती हूँ कि पीसीओएस एक ढीठ बीमारी है, एक ढीठ बीमारी है और बड़ी मुश्किल से जाती है। ठीक है, और लिटरेचर कह लीजिए या हमारी बुक्स भी यही कहती हैं और हमने जो देखा है क्लिनिकल भी कि इट टेक्स अराउंड ईयर्स, यानी कि सपोज 1 साल कंप्लीट देना होता है पीसीओएस को बिल्कुल डेडिकेटेडली कि आप पीसीओएस को ट्रीट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, बिकॉज इसमें वेट इश्यू है, पीरियड्स इश्यू है, इसमें एक्ने हिर्सुटिज्म भी है, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम कि इन तमाम चीज़ों पर जो है वो अमल करेगा। अच्छा, मरीज अब क्या करते हैं, एक डॉक्टर को फॉलो किया 2 महीने तक, फिर अगले डॉक्टर के पास चले गए, उस डॉक्टर से तो हम ठीक नहीं हुए, अब तीसरे डॉक्टर के पास चले गए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, अब डॉक्टर्स तो चेंज हो गई, मरीज नहीं चेंज हुआ। अब उसमें क्या है कि वो मर्ज जो है वो मजीद रेजिस्टेंट होता चला जाता है, बिकॉज पीसीओएस को हम जितना मतलब छोड़ देंगे उतना ये जड़ पकड़ता रहेगा, उतना जो है यानी कि ये अपनी तबाही फैलाता रहेगा। अच्छा, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें यही होता है कोई भी एज ग्रुप हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहले ये कहते हैं डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, और साथ में जो है आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होता है। डाइट एक्सरसाइज में हम क्या कहते हैं कि डाइट में बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, समोसे, पकौड़े, बेकरी आइटम्स, जंक फूड, फास्ट फूड, ठीक, प्लस ये कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, ठीक है, जितनी भी कोलास और ये सब कुछ है, प्लस ये आर्टिफिशियल जूसेस, ये नहीं लेने होते, बिकॉज अगर 250 ml की एक बॉटल है तो इट गिव्स यू अराउंड 250 calories एज वेल, तो 250 calories जाएंगी औरतों में। और पीसीओएस में क्या होता है बेसिकली मोटापा या ओबेसिटी थोड़ी सी अजीब से तरीके से जाती है, उसमें हिप टू वेस्ट रेशियो बढ़ जाता है। तो वुमन क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऊपर से तो बहुत प्यारी सी शक्ल होती है ये, मतलब शोल्डर्स भी ठीक होते हैं, पेट और मतलब आप पीठ कह लीजिए या हिप्स कह लीजिए वो बहुत चौड़े होते हैं, तो ये पीसीओएस का एक मतलब कि वो होता है जब फैट इस जगह पे जाता है तो इस फैट को डिसॉल्व करने के लिए सब एक वाहिद हल होता है कि आप एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज में भी प्रॉपर ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी मूव करनी चाहिए। अब बॉडी मूव कैसे करेगी, अब उसका तरीका है, बिकॉज आपके जो है ये शोल्डर प्लेट्स इन पे भी फैट आता है और नीचे आपके हिप्स के ऊपर फैट आता है। तो मैं जो मरीजों को कहती हूँ कि आप बिल्कुल 90 degree के एंगल पे हाथ सामने रखेंगे, 90 degree का पीछे जाएगा और इस तरीके से आप मूव करेंगे। आपने बिल्कुल लाउजी टाइप की वॉक नहीं करनी है कि हम वॉक कर रहे हैं ये दिल को बहलाया जाएगा, आपने बकायदा मूव करना है कि आगे 90 डिग्री पे जाएगा, 90 डिग्री पे पीछे जाएगा, तो ये चीज मूव होगी, यहाँ से शोल्डर ब्लेड का फैट कम होगा, जब आप चलेंगे तो आपका हिप्स का फैट कम होगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको शुरू करनी होती है तकरीबन 15 से 20 मिनट रोजाना से लेके अप टू 30 to 35 मिनट रोजाना बिला नागा।
प्लस आप डाइट कीजिए, डाइट में कोई जंक फूड नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, शक्कर कम लेनी है, घी का इस्तेमाल कम है, तली हुई चीज़ें कम है, मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ेगा सारा ना, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक तो ये हो गया, प्लस नींद पूरी लें, स्ट्रेस, रात को सोना है तो सोना है, रात सोने के लिए ही अल्लाह ने बनाई हुई है तो उसका मतलब होगा कुछ, बिकॉज हॉर्मोन्स कुछ ऐसे हैं जो रात में ज्यादा रिलीज होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो दिन में ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। तो पीसीओएस की सेटिंग में एक तो अच्छी नाइट की जो स्लीप होती है या नींद होती है वो लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 to 8 hours की अच्छी नींद हो, प्रॉपर आप उठें, मॉर्निंग में उठें, फ्रेश हों, आप एक्सरसाइज करें, उसके बाद नाश्ता करें। अच्छा, डाइट में ये है, डाइट में जैसे मैंने ये बताया तो प्रोटीन्स और तो आपने लेनी है बिकॉज वो मसल मास के लिए चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन नहीं, आपने बिल्कुल लीन प्रोटीन लेनी है, ठीक है। प्लस आपने ये करना है कि कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स कट करने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ये करना है, मीठा कम करना है। तो होपफुली इसमें ये होता है कि 5 to 6 months में एटलीस्ट अगर बेसलाइन से वजन 5 to 10 kilos कम हो जाता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि 5 to 10% हाई चांस होते हैं कि अच्छा एग भी रिलीज होगा और स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी हो जाती है, यानी कि खुद ब खुद प्रेगनेंसी भी हो जाती है जो औरतें इसमें कर रही होती है। तो यानी वजन का हिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आपने लीन प्रोटीन के बारे में कहा कि इसमें सी फूड वगैरह ये सब शामिल है, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीसीओएस में जो है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी डिफिकल्ट है तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगी, कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो पीसीओएस वाली खवातीन हैं अगर वो कंसीव करती हैं तो। अच्छा देखिए, पीसीओएस की खवातीन जो कंसीव करती हैं तो वो वुमन रिस्क पे होती हैं कि उनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उनको डायबिटीज हो जाने का खतरा हो सकता है, और वुमन होता है। अगर पीसीओएस की 5 औरतों ने कंसीव किया है तो उसमें से 2 औरतों को मैंने जो देखा है उनको डायबिटीज भी होती है, उनको हाइपरटेंशन भी होती है, तो ऑब्वियसली दे आर एट मोर रिस्क ऑफ हैविंग दीस थिंग्स, ठीक है। एक बात, सेकेंडली ये है कि अगर होती है तो ऑब्वियसली फिर उसका तरीकाकार अलग है, उसको प्रेगनेंसी को मैनेज करना होता है, सब कुछ है, लेकिन बस एंड यही होता है कि आप सुने डॉक्टर की बात, सुने डॉक्टर जो आपको कह रही है वो बात सुनिए, आप लाजमी सुने और उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। प्लस पीसीओएस में क्या होता है, शुरू के 3 months में इवन मिसकैरेज हो जाने का चांस भी होता है, अच्छा, ये बिल्कुल रेयर होता है बट इट हैपेंस, ठीक है। और प्रीमैच्योर बर्थ नहीं, एज सच नहीं, अगर प्रीमैच्योर बर्थ होती है तो वो डायबिटीज या हाइपरटेंशन की अपनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पीसीओएस के इटसेल्फ में। अच्छा, एक यूजर है हमारी, उन्होंने सवाल किया है कि मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, तो आप इसमें क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा देखिए, पीरियड्स की प्रॉब्लम वही बात आ जाती है, कौन सी प्रॉब्लम, क्या 3-4 महीने बाद आ रहे हैं या हर महीने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या मतलब के महीने में 2 दफा आ रहे हैं, तो ऑल टुगेदर ये सारे का सारा हार्मोनल इम्बेलेंस ही है, तो बेहतर है कि ये एक किसी भी अच्छे डॉक्टर को जाएं, दिखाएं, अपना पूरा फिजिकल चेकअप करवाएं, इनका पूरा बीएमआई होना चाहिए, यानी हाइट वेट रेशियो जो होता है वो प्रॉपर इनका पता चले कि वेट इनका किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, नॉर्मल है, ओवर वेट है, ओबेस है, माइल्ड है, या मॉर्बिड है, उस तरीके से ये देखना पड़ेगा। सेकेंडली ये है कि देखिए, पीरियड्स का इश्यू है अगर सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई मरीज आती है और हमें बताती है तो हम पूछते हैं कि आपकी मेजर कंप्लेंट क्या है। सपोज अगर एक मैरिड खातून है और उनको भी बच्चे नहीं चाहिए, उनका सिर्फ ये इशू है कि उनके पीरियड्स प्रॉपर हो जाए, तो हम ऑब्वियसली ऐसी दवाइयां देते हैं कि जो उनको पीरियड्स को रेगुलर करें। अगर कोई आती है वो कहती है कि मुझे पीसीओएस तो है लेकिन मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर हम उस लाइन पे सोचते हैं कि जो ऐसी दवा दें कि एक मैच्योर एग रिलीज भी हो और प्रॉपर जो है पीसीओएस का इलाज भी हो और प्रेगनेंसी भी हो सके। लेकिन साइड बाय साइड ये तमाम चीजें चल रही होती हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, और ये सब, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पीसीओएस मेन स्टे, यानी कहना चाहिए कि मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ही हमारा यही होता है। उसके बाद ये है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, चूंकि अगर एक्नी है तो हम वो देख रहे होते हैं, एक्नी हार्मोनल मतलब इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो एक्नी को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी हम मेडिसिन दे रहे होते हैं, उसमें बाजूकात कंबाइंड हार्मोनल पिल्स भी होती हैं, आजकल एक नए ड्रग है मारीना वो दे, सॉरी जो यस वो दे रहे होते हैं हम, तो DAM35 है, इस तरह की टेबलेट्स होती हैं बहुत जो हम दे रहे होते हैं। अगर किसी को हैवी पीरियड्स का इशू है तो उसमें हम मारीना भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो आगे जाके थोड़े लाइक वो कंसीव नहीं करवा पाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन करवा देगा, तो ये सिर्फ हम एचएलवी या हैवी ब्लीडिंग के लिए ही रिजर्व करते हैं। अच्छा, हैवी ब्लीडिंग जो है पीसीओएस का हिस्सा नहीं है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी तो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ना होना से लेके इरेगुलर, इरेगुलर से लेके हैवी, तीनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न आ सकता है इसमें। सही जी।
ठीक है। अच्छा एक और यूजर है, उन्होंने कहा है व्हाई डू वी हैव पिंपल्स ऑन आवर फेस। अब आपने बताया कि पीसीओएस की भी वजह है, लेकिन उसकी बहुत सी शायद और वजह है जो अगर आप थोड़ा सा बता सकें। हाँ देखिए, अगर पिंपल्स हैं सिर्फ तो ऑब्वियसली, अगर ये सिंपल एक्नी है, अगर वो इन्फ्लेमेटरी एक्नी है तो ऑब्वियसली उसका, अगर हॉर्मोन्स ठीक हैं, वजन ठीक है, साइकिल रेगुलर है और कोई इशू नहीं है, रिसोटिज्म नहीं है, तो फिर ये प्रॉबेबली ये एक्नी जो है कि इन्फ्लेमेटरी एक्नी होती है, फिर ये डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर यही एक्नी जो है इन तमाम चीज़ों के साथ होती है तो हम इसको इसी पीसीओएस के स्पेक्ट्रम में ले रहे होते हैं, तो हम फिर ऑब्वियसली हम उसको ट्रीट करते हैं। बिकॉज मैंने कहा कि इसमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है या एंड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि आप कह लीजिए ऑयल जो प्रोड्यूस करती हैं, तो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है। तो जब ये हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो वो ग्लैंड्स ऑयल ज्यादा सिक्रीट करेंगी, ऑयल ज्यादा सिक्रीट होगा तो फिर ऑब्वियसली वो पिंपल्स की शक्ल इख्तियार कर देता है, इसको हम एक्ने भी कह सकते हैं। अच्छा आपने मेंशन किया कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कोई एक कॉज पिनपॉइंट नहीं हो सकता, तो मुझे ये बताइए कि इसमें माहौलियाती जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो कितना जो है इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक औरत को पीसीओएस हो जाए। देखिए पीसीओएस ऑब्वियसली एनवायरमेंटल में आप ये कह लीजिए कि ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द मेजर फैक्टर। ठीक है, अगर सपोज आप ये ले लीजिए कि पोल्यूशन या कुछ इस तरह, तो फिर वो ऑब्वियसली वो एक्ने को इन्हेंस करेगा, हर्सोटिज्म वो कर सकता है। ठीक है, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर में आप ले लें तो ऑब्वियसली ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ये कर सकता है उसके अंदर। ऑल टुगेदर हम सिर्फ एनवायरमेंट के ऊपर हम नहीं ये कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम आ जाएगा कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हुए हम इसको सिंड्रोम कहेंगे। सही, तो ये एक और स्ट्रेस वगैरह, अगर जैसे अगर हाइपरटेंशन की अलग से बीमारी है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है पीसीओएस को। नहीं देखिए, ये इनहेंस जरूर करेगा, इनहेंस जरूर कर देगा कि अगर पीसीओएस है इटसेल्फ वो नहीं करवाएगा हाइपरटेंशन। सही। अच्छा आपने बोला कि जब कॉमन जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि ये ट्रीटेबल है मेरे ख्याल से, पीसीओएस ट्रीटेबल है, और आपने कहा कि या तो इंसुलिन की आप दवाइयाँ देते हैं या वो देते हैं जिससे रेगुलेट हो जाए। नहीं, इंसुलिन की कोई दवाई नहीं देते हम, बिकॉज जब तक आप ओवरीज को आप ठीक नहीं करेंगे तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, एज सच कोई भी ऐसी दवा रिकमेंडेड नहीं है जो इंसुलिन लेवल को कम करे, लेकिन चूंकि हम क्लिनिकल सेटिंग्स पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें वो भी देनी होती हैं जो हम अपने तजुर्बे या हम अपने जो है वो ऑफ लेबल आप कह लीजिए, ठीक है, जो रिकमेंड नहीं होती उसके थ्रू हम दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम देते हैं। उसमें से एक बहुत फेमस एक दवा होती है, उनको पेज कहलाती है वो, लेकिन मेटफॉर्मिन आप कह लें, लेकिन हम उन औरतों को देते हैं जो आगे जाके कंसीव करना चाहती हैं, बिकॉज उन सूरत में वो ओवरीज के रेजिस्टेंस को दबाएंगी, तो जब हम कंसीव करने की मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन अच्छा काम करेगी, तो उस सूरत में हम देते हैं, अदरवाइज इंसुलिन के लिए कोई वो नहीं अलग से। अच्छा इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट्स जो है लोग ले सकते हैं? कोई आपने एक तो बताया कि एक्सरसाइज और डाइट को मैनेज करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा अगर डाइट भी मैनेज हो रही है और हालत ठीक नहीं हो रही तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या ट्रीटमेंट और चैनल आप ले सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर ये पीसीओएस की सेटिंग में अगर किसी का सिर्फ वजन का मसला है, पीरियड उस पर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम उस सूरत में पीसीओएस के अंदर जो है हम वेट रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेस या वेट रिड्यूसिंग सर्जरीज भी हम बाजूकात रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब हर सर्जरी हर चीज का जो है अपना फायदा भी है और नुकसान भी है, तो ये हम बिल्कुल एंड में जाकर करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि जाहिर इसके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा किसी की भी काम करेगी कि उसको वेट रिड्यूस करना है, तो इट टेक्स ईयर्स। मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पीसीओएस को ठीक होने के लिए सालों चाहिए होते हैं। ठीक है, ये दिनों में या महीनों में बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये एटलीस्ट आप एक डेडिकेटेड साल देना होता है। शुरू के 6 महीने में तो ये सिर्फ वजन आप देख लीजिए थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, उसके बाद जाके आगे साइकिल ठीक होगा, एक्ने ठीक होगी, हिर्सुटिज्म ठीक होगा, कुछ दवाएं देनी पड़ती हैं रेगुलर करने के लिए, बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स को अंदरूनी साइकिल को आपको ब्रेक करना है, उस तरीके से लेके चलना है, तो इट ऑलवेज टेक्स टाइम। ठीक है, अच्छा दूसरी आपने बात की ट्रीटमेंट की, फर्स्ट हमने कह दिया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंड हम कहते हैं कि अगर किसी को लाइक मैंने पहले भी कहा कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो फिर ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल को, मेंसेस को या साइकिल को रेगुलर करने के लिए हम दवाई दे रहे होते हैं। अगर किसी की मेजर कंप्लेन एक्नी है, उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक्नी को ट्रीट करने की दवाई दे रहे होते हैं। अच्छा, अब एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी ऑब्वियसली हम हार्मोनल दवाइयां ही दे रहे होते हैं, तो हर हार्मोनल दवाई का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी बाजू का प्रॉब्लम्स होते हैं जो आते हैं अक्सर हमारे पास कि हमें बहुत ज्यादा नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है,
तो मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहूंगी कि ये तमाम छोटे हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं, तो हार्मोन्स के कुछ ये अपने साइड इफेक्ट होते हैं, तो इन साइड इफेक्ट्स की वजह से खुद से कोई दवा ना स्टॉप करे। उमूमन क्या होता है कि हम देते हैं ये पूरी दवाई 21 दिन तक सपोज, ठीक है, और हम ये कहते हैं 21 दिन तक 24 दिन तक, फिर हम कहते हैं कि जब पीरियड्स आए तो पीरियड्स के फर्स्ट सेकेंड डे से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उमूमन क्या करती है खवातीन या बच्चे कि उन्होंने 12-13 दिन ली, इन तमाम साइड इफेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने खुद ही से ट्रीटमेंट स्टॉप कर दी। अब क्या होता है कि ट्रीटमेंट साइकिल भी ब्रेक हो गया, आधे हार्मोन अंदर गए हैं आधे नहीं, तो वो अंदरूनी एक और अजीब सी जंग छिड़ जाती है हार्मोन्स की आपस में, तो यानी कि ये एक तरीका का सही नहीं है। तो प्रॉपर अगर डॉक्टर कहता है कि 21 दिन लेनी है, 21 दिन वाली गोली लेनी है या 24 दिन वाली गोली लेनी है, तो ब्राह मेहरबानी लीजिए, बिकॉज हॉर्मोन्स भी बॉडी में जाके अपना एक लेवल डेवलप करेंगे, फिर वो लेवल जो है अंदरूनी हॉर्मोन्स जो डिस्टर्ब हुए हैं उनको ठीक करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उसमें जो है बच्चे को कोई खतरात वगैरह, जैसे आपने बेबी शुगर का बोला, उसके अलावा कोई खतरात वगैरह तो नहीं होते? एसएच नहीं, एसएच हमने कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं देखा है, लेकिन सिवाय मिसकैरेज जो है जो एक थोड़ा बहुत कॉमन हो सकता है, उसके अलावा पीसीओएस का बच्चे पे एसएच नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बहुत बच्चा जब बहुत आगे जाके बड़ा हो या वो लेट 50s में या 40s में, कहीं जाके उसको फिर ओबेसिटी हो सकती है, अदरवाइज कोई खास इसका लिंक नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि सबसे ज्यादा वजन है, तो वजन वैसे भी कम करना मुश्किल होता है, लेकिन जो जिन खवातीन को पीसीओएस होता है, क्या उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है वेट लूज करना, अगर वो कोशिशें भी कर रही हो तो? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि बड़ा मुश्किल है कि हम बहुत सारी चीजों को हमारे सामने पड़ी हुई है और हम ना खाएं, ठीक है, और हम ना अपना हाथ रोकें, तो सिर्फ ये होता है कि इसमें सबसे बड़ी विल पावर है तो बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, तो बस इस वजह से थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। सेकेंडली ये है कि जैसे मैंने कहा कि स्लो प्रोसेस है, बिकॉज हॉर्मोन्स की इम्बेलेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कि बस थोड़ा सा अपने आप को राजी करना होता है कि हम मतलब कोई चीज छोड़े हैं, हम वजन कम करना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं, ठीक है। सर्जरी की डॉक्टर साहिबा कब जरूरत पड़ती है? अच्छा, सर्जरी हम उस सूरत में प्रीफर करते हैं उन औरतों को, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, जिन औरतों को कंसीव करना है, उनको कंसीव करने की मेडिसिन दी गई लेकिन 3-4 महीने या 6 महीने के बाद भी उनको कंसीव नहीं हो पाया, तो फिर हम उसको लेबल करते हैं कि अब ये रेजिस्टेंट ओवरीज हो गई हैं, यानी अब ओवरीज के ऊपर कोई भी हार्मोन काम नहीं कर रहा है, तो सूरत में हम एक सर्जरी प्रिफर करते हैं जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, ठीक है, और जिसको लोड कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं तो हम लेप्रोस्कोपी, यानी कि हम कह लीजिए आप टेलीस्कोप के थ्रू ऑपरेशन, यानी कि ये छोटा सा होता है, उसके थ्रू हम तमाम जो छोटे छोटे सिस्ट होते हैं उनको जला देते हैं, ठीक है, उनको जला देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हाई चांसेस होते हैं कि फिर जो है वो आगे जाके फर्टिलिटी भी होगी, कंसीव भी होगा और आगे जाके प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये हर सेटअप में नहीं होता है, बिकॉज लैप्रोस्कोपी हर सर्जन या हर हॉस्पिटल में नहीं होती है, तो बड़े डेजिग्नेटेड हमारे पास होते हैं यू नो कुछ इंस्टीट्यूट जहाँ पे लैप्रोस्कोपी हो रही होती है। तो लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग होती है पीसीओएस के लिए। उसके अलावा अगर रेजिस्टेंट कोई ओबीस है पीसीओएस के साथ, तो साल भर की यानी कि उसको मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, उसके बावजूद उसका वजन कम नहीं हो रहा है, तो सूरत में हम उनको बाजूबाद रेफर करते हैं बेरियाटिक सर्जरी के लिए, ठीक है। बेरियाटिक सर्जरी में ये होता है कि फिर वो एक क्लिप या क्लैंप लगाते हैं यानी मैदे के स्टमक के मुंह पे, तो फिर वो थोड़ा सा खाने पीने की सलाहियत कम होती है, तो फिर ऑब्वियसली आगे जाके वजन भी कम होता है, और ये सब चीजें क्रेविंग जाहिर है, जब अंदर से क्रेविंग ही नहीं होगी, कुछ खा पी नहीं पाएंगी, तो ऑब्वियसली फिर वजन भी कम होता है, बट ये बिल्कुल लेटर स्टेजेस में है। और उमूमन हमारे सेटिंग में पाकिस्तान में, या ये कह लीजिए आप जो हम मरीज देखते हैं हमारे यहाँ पे, उनकी अभी तक ऐसी अप्रोच नहीं आई है कि वो इन मेजर सर्जरीज की तरफ जाए, तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लेके हार्मोनल पिल्स, और फिर उनको अगर प्रेगनेंसी के इश्यूज हैं तो उसके तरफ लेके जाएं और उसकी मेडिसिन दें। लेकिन ये दो सर्जरीज होती हैं और रिकमेंडेड है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जेब, आज आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जो भी लोगों ने सवाल किए, आई होप आपको जो है आपके जवाब मिल गए हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हम लोग फिर से आएंगे आप लोगों के साथ एक और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।